पिछले केस में आपको बताया कि किस तरह से कासिम और आगा हसन जासूस को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे कि तुर्कबाज की जानिब से उनकी जासूसी की जाने लगी और फिर जब तुर्कबाज पकड़ा गया तो किसी ने उसको मार दिया। आप देख रहे हैं डेली जमील सीरीज, सुल्तान मोहम्मद फाते सीरीज की ये 10वीं एपिसोड है। नाजन कासिम के नए फराज सुनकर आगा हसन को कुछ ज्यादा हैरत ना हुई बल्कि वो किसी हद तक खुश हुआ। उसने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन असलम खान अस्वदी को तो पता चल चुका होगा कि उसके भेजे हुए सिपाही ने मरते वक्त अस्वदी का लफ्ज अदा कर लिया था। आगा हसन की बात बिल्कुल ठीक थी। कासिम ने एक लम्हे के लिए सोचा और फिर कहा, मेरा ख्याल है जब तक असलम खान को ये यकीन है कि हमारे हाथ उसे पकड़ने के लिए कोई सबूत नहीं आया, वो फरार होने की कोशिश नहीं करेगा और इससे पहले कि वो फरार हो मैं उसकी गर्दन दबोच लूंगा। मान किसी ख्याल के तहत कासिम ने फिर कहा, आगा क्या तुम्हें असलम खान अस्वदी की रिहाइश का पता मालूम है? क्या मतलब, तुम कहीं आज रात ही उसे पकड़ना तो नहीं चाहते? आगा हसन ने तजस्सुस से कहा। कासिम ने इस बात में सर हिला दिया। बेशक मैं नेकी के काम में देर करने का कायल नहीं हूं, मैं आज ही उस गद्दार पर साग का बनकर टूट पड़ूंगा। मुझे उस दुश्मन मुल्क मिल्लत से कैसर के तमाम जासूसों के नाम उगलवाने हैं। आगा हसन पूर तजस्सुस और दिलचस्पी से कासिम की बात सुन रहा था। उसने फौरन कहा, ठीक है मैं भी तुम्हारे हमरा चलूंगा, सिर्फ तुम ही नहीं हम कमांडर अमीर खान को भी ले चलेंगे। हो सकता है असलम खान मुदाफत करे या उसके कुछ सिपाही उसकी हिफाजत पर मामूर हों। इसके बाद देर तक कासिम और आगा हसन अपने लाहे अमल पर बातचीत करते रहे, यहां तक कि रात हो गई। कासिम ने उठते हुए कहा, हम आधी रात के वक्त अपने मंसूबे पर अमल दरामद के लिए रवाना होंगे। यह अच्छा हुआ कि तुम्हें असलम खान के घर का पता मालूम है। अब तुम्हारे जिम्मे सिर्फ ये काम है कि अमीर खान को वारदात का लाहे अमल समझाकर रात के पहले पहर फौजी छावनी के दरवाजे पर ले जाओ। कासिम ने आगा हसन को उसकी जिम्मेदारी समझाई। कासिम की हर बात पर आगा हसन इस बात में सर हिलाता रहा। तमाम मामला तय करने के बाद कासिम आगा हसन से इजाजत लेकर घर की जानिब चल दिया। रात आधी से ज्यादा गुजर चुकी थी। अदरना के फौजी छावनी के इलाका में अफसरों की रिहायशगाहों के नजदीक 3 घुड़सवार साए दिखाई दिए। ये उन अफसरों की रिहायशगाहें थीं जो शादीशुदा थे। उन रिहायशगाहों की पिछली जानिब शहतूत के बहुत से घने दरख्त थे जहां दिन भर अफसरों के बच्चे शहतूत चुनते नजर आते। तीनों घुड़सवार साए शहतूत के दरख्तों के पास पहुंचकर रुक गए। यहां तारीकी और ज्यादा गहरी थी। ये लोग घोड़ों से उतरे और घोड़ों के शहतूत के दरख्तों के साथ बांध दिया। अब तीनों साए इमारतों की जानिब बढ़ रहे थे। इमारतों की तीसरी रो में पहुंचे पहला मकान असलम खान का था। तीनों साए उसी जानिब जाते हुए नजर आए। वो असलम खान के मकान के करीब पहुंचे तो रुक गए। ये पक्की ईंटों का बना एक छोटा सा मकान था जिसका बैरूनी दरवाजा गली की जानिब से 14 फुट बुलंद था। अकबी जानिब मकान के कमरों की पिछली दीवार थी। अमीर खान का साया मकान की अकबी जानिब चला गया। आगा हसन और कासिम दरवाजे की जानिब बढ़ गए। यानी चोरी के इन तीनों अफसरों ने अपने चेहरों पर ढाटे बांध रखे थे। वो चीते की तरह चालाकी से चलते हुए मकान के दरवाजे के करीब आए और दरवाजे के साथ लगकर खड़े हो गए। अब मकान के दरवाजे के करीब आए और दरवाजे के साथ लगकर खड़े हो गए। अब वो मकान के अंदर किसी किस्म की आहट सुनने की कोशिश कर रहे थे। काफी देर तक दरवाजे से कान लगाए रखने के बाद कासिम को यकीन हो गया कि असलम खान और इसके अहले खाना ख्वाब खरगोश के मसे ले रहे हैं। अगले लम्हे वो छिपकली की तरह दरवाजे से चिपक कर ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। कासिम आहट पैदा किए बगैर दीवार के सिरे पर पहुंच गया। उसके बदन पर गहरे रंग का लिबास था। कमर पर बांधी कपड़े की पट्टी में 2 अदद खतरनाक खंजर अटसे हुए थे। दाएं कूले के साथ खाली न्याम लटक रही थी क्योंकि तलवार कासिम के दांतों में दबी हुई थी। उसकी पुश्त पर तीरों से भरा तुर्किश और म्यान झूल रही थी। कासिम खामोशी से परली जानिब उतरने लगा। आगा हसन बाहर गली में खड़ा असलम खान के घर का दरवाजा खुलने का इंतजार कर रहा था। कासिम ने इंतहाई एहतियात से आवाज पैदा किए बगैर अंदर से दरवाजा खोला और आगा हसन को भी अंदर बुला लिया। इधर अमीर खान ने कमाल फुर्ती का मुजाहरा किया था। वो मकान की अकबी दीवार में मौजूद ईंटों के रखनों में हाथ और पांव की उंगलियां फंसा था। किसी छिपकली की तरह दीवार ही दीवार पर बिल्ली किसी चाल चलता हुआ सहन में उतरते हुए जीनों तक जा पहुंचा।
यहां से घर का तारीक से ही नजर आ रहा था। आमिर खान सबसे ऊपर वाले जीने पर दीवार की ओट में दुबक कर बैठ गया। यहां से उसे आगा हसन और कासिम की कार्रवाई पर नजर रखना थी। कासिम और आगा हसन बैरूनी दरवाजे से अंदर दाखिल हुए तो सबसे पहले मकान का सहन था। मकान के सहन में शहतूत का एक बहुत बड़ा दरख्त लगा हुआ था, जिसका साया रात की तारीकी में किसी भूत की तरह दीवारों पर पड़ रहा था। आज चांदनी रात तो थी, लेकिन चांद अपनी कई मंजिलें तय करता हुआ सूरज के ताकुब में शफक पार छलांग लगाने वाला था। कासिम और आगा हसन बढ़कर बरामदे में दाखिल हो गए। यहां तारीकी थी और मकान के दोनों कमरों के दरवाजे अंदर से बंद थे। कासिम और आगा हसन ने अलग अलग दरवाजों पर कान लगाए और अंदर किसी किस्म की आहट महसूस करने की कोशिश करने लगे, लेकिन कमरों में बला की खामोशी थी। कासिम को कुछ गैर कुदरती सा लगा, लेकिन वो ना समझ सका। बिलाखिर उसने दरवाजे पर दबाव डाला तो ये जानकर उसकी हैरत की इंतहा न रही कि दरवाजा खुला था। उसने चौंक कर हाथ हटा लिया और आगा हसन को हाथ के इशारे से अपने करीब बुला लिया। दोनों बेहद एहतियात कर रहे थे। आगा हसन करीब आया तो कासिम ने उसे बाहर रुकने का इशारा किया और खुद तारीख कमरे में दाखिल होने के लिए दरवाजे को यकलख्त चौपट खोल दिया। अगले लम्हे वो कमरे के अंदर था, लेकिन अपने अंदर दाखिल होते ही गोया उस पर आफत टूट पड़ी। किसी ने तलवार का भरपूर वार करके उसकी गर्दन तन से जुदा कर देना चाहिए, लेकिन न जाने वो कौन सी ताकत थी जिसने दिल से कासिम को छलांग लगा देने पर आमादा किया। कासिम उछलकर एक जानिब हुआ और अंधेरे में मौजूद दुश्मन का वार खाली चला गया। अब कासिम संभल चुका था, लिहाजा उसने दुश्मन का दूसरा वार तलवार की चमक देखकर अपनी तलवार पर रोका। लोहे से लोहा टकराया और टन की आवाज पैदा हुई, लेकिन उसे ये जानकर बेपनाह हैरत हुई कि बरामदे से भी टन टन की आवाज आ रही थी। गोया दुश्मन सिर्फ अकेला नहीं था, बल्कि उसका कोई साथी भी बाहर कहीं छुपा हुआ था, जो आगा हसन पर हमला आवर हुआ था। इसका मतलब तो ये था कि असलम खान और उसके साथी पहले से घात लगाकर बैठे थे। कासिम अंधेरे में ही अनदेखे दुश्मन के वार रोकता रहा और फिर अचानक उसने एक जबरदस्त दाव खेला। उसने एक दम अपना पैर फुसलाया और जमीन पर गिर गया। अगले लम्हे वो फिसलता हुआ मध्य मुकाबल की टांगों से जा टकराया। मध्य मुकाबल ओंधे मुंह नीचे आ रहा। कासिम ने लेटे लेटे अपनी तलवार का रुख ऊपर की जानिब कर दिया। मध्य मुकाबल तलवार पर गिरा और तलवार उसके पेट से आर पार हो गई। फिजा एक दिलदोज शेख से गूंजी और मध्य मुकाबल के पेट से खून के फवारे छूट पड़े। कासिम दुश्मन को गिराकर तेजी से उठा और बाहर की जानिब तेजी से लपका, लेकिन यहाँ आगा हसन पहले ही दुश्मन की गर्दन काट चुका था। आगा हसन और कासिम को अचानक सीढ़ियों पर दौड़ते हुए कदमों की आवाज सुनाई दी और फिर थोड़ी देर बाद दो तलवारें टकराने की आवाज आने लगी। गोया आमिर खान की मुठभेर भी दुश्मन से हो गई थी। आगा हसन और कासिम जीने की जानेब दौड़े, लेकिन इससे पहले कि वो जीने फलांगते ऊपर से कोई गठरी से लुढ़कती हुई नीचे आने लगी। गठरी कासिम के पैरों में आकर रुकने की बजाय एकदम उठकर खड़ी हो गई। आगा हसन ने चांद की रोशनी में पहचाना कि यह असलम खान था। उसकी तलवार गिर चुकी थी और वो जीनों से लुढ़क कर सही सालम बच गया था। कासिम ने अपनी तलवार सीधी की और असलम खान की ठोड़ी पर टका दी। असलम ने जुर्रत करके खासी बुलंद आवाज में कहा, कौन हो तुम लोग और क्या चाहते हो मुझसे? असलम ने आवाज निकाली तो कासिम ने तलवार का दबाव बढ़ा दिया और सांप की तरह फुनकारते हुए कहा, तुम हमें अच्छी तरह पहचानते हो असलम खान, हम इस्लाम के गद्दारों की मौत हैं। तुम अगर कुछ राज चाहते हो तो याद रखो, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम सब कुछ उगल दो। क्या उगल दो? मम्मा मुझे कुछ मालूम नहीं। तुम लोगों ने मुझे कुछ कहा तो खुद भी ना बच सकोगे। तुम यानी चोरी के एक सालार पर हाथ उठा रहे हो। अब असलम खान का हौसला बहाल हो रहा था। अचानक कासिम ने असलम की ठोड़ी से तलवार पीछे हटा ली। असलम ने हैरत से कासिम की जानिब देखा, लेकिन अगले लम्हे उसकी दर्दनाक चीख ने पूरी फिजा को चीर दिया। कासिम ने पूरी की पूरी तलवार उसके दाएं रान में घूमती थी। तलवार की शिद्दत से उसकी चीख बहुत बुलंद आवाज में पैदा हुई, लेकिन यकीनन आसपास के मकानों में सुनी गई होगी। अब कासिम और आगा हसन को जो कुछ भी करना था आनन फानन करना था। आमिर खान अभी तक छत पर ही था। उसने एक अच्छे सिपाही की तरह अपने तयशुदा जगह न छोड़ी थी। कासिम ने असलम की रान में तलवार घोंपी, लेकिन वापस ना खींची।
असलम तकलीफ की शिद्दत से जमीन पर गिर चुका था। वो और भी चीखता, लेकिन आगा हसन ने आगे बढ़कर उसका मुंह हाथ से भींच कर बंद कर दिया था। कासिम खूनखार अंदाज से असलम की आंखों में झांकते हुए बोला, असलम खान, जिंदगी से ज्यादा कीमती कोई चीज नहीं, खुसूसन तुम्हारे जैसे गद्दारों के लिए। तुम अगर जीना चाहते हो तो सच सच बताओ कि तुम्हारा आदमी हमारी बातें क्यों सुन रहा था। ये भी बताओ कि अबू जाफर के साथ तुम्हारा क्या ताल्लुक है, और यानी चरी में तुम्हारे अलावा और कौन कौन से लोग कैसर के जासूस हैं। और याद रखो कि अब चीखना मत, वरना अब की बार मैं तुम्हारी कान काट दूंगा। कासिम के लहजे में बेपनाह सफाकी और बेरहमी थी। असलम तो दरकिनार कासिम की आवाज से आगा हसन भी कांप उठा। आगा हसन कासिम के इशारे पर असलम के मुंह पर से हाथ हटा चुका था। असलम कासिम की सफाकी से इस कदर खौफ सदा हुआ कि बेपनाह दर्द के बावजूद जुबान से खामोश रहा। कासिम के दोबारा पूछने पर वो तोते की तरह बोलने लगा। उसने बताया कि अबू जाफर दर हकीकत कैसर का जासूस है और सल्तनत उस्मानिया की तबाही की गर्ज से अदरना में मुकीम है। उसने ये भी बताया कि अबू जाफर ने यानीचरी में अपनी साजिश का जाल बिछा रखा है, लेकिन वो यानीचरी में मौजूद कैसर के जासूसों के मुकम्मल नाम न बता सका। उसने एक सालार का नाम लिया ही था कि उसकी गर्दन लुढ़क गई, वो शायद बेहोश हो चुका था। इतने में छत पर से अमीर खान के तेज सरगोशी करते हुए कहा, साथ के मकान में हलचल सी दिखाई दे रही है, आप लोग जल्दी से अपना काम निपटाने की कोशिश कीजिए। कासिम ने मायूसी से बेहोश असलम की जानिब देखा और अगले लम्हे बेरहमी से अपनी तलवार वापस खींच ली। असलम बेहोशी के आलम में तड़पा, लेकिन उसने आंखें ना खोली। कासिम ने असलम को वहीं पड़े हुए छोड़ा और आगा हसन को ऊपर अमीर खान के पास जाने की हिदायत करता हुआ खुद मकान के दूसरे बंद दरवाजे की तरफ बढ़ गया। कासिम के अंदाजे के मुताबिक यहाँ असलम की बीवी बंद थी। वो कमरे के दरवाजे पर पहुंचा और दरवाजे को धकेल कर खोलने की कोशिश की। कासिम ने दिया सलाई जलाई और बरामदे की दीवार में अटकी मशल को रोशन कर दिया। सुल्तान मोहम्मद फातेह सीरीज का सिलसिला जारी है। क्या असलम खान ने होश में आने के बाद तमाम तर जासूसों के नाम उगल दिए, और क्या कासिम को कोई बड़ी कामयाबी हासिल हुई? ये सब कुछ आपको अगली एपिसोड में बताएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।